वेलकम टू विकास मेरेनर। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग ओएस के बारे में बताऊंगा। मतलब जब आप जीपी रेटिंग कंप्लीट करते हो, जीपी रेटिंग कंप्लीट करने के बाद जब आपका सिलेक्शन होता है ऑनबोर्ड सीट पर, जब आप जाते हो तो वहाँ पे सी गाइस, सबसे पहले तो आप जूनियर होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले वर्किंग टाइम बता देता हूँ। तो देखो गाइस, आपको मॉर्निंग 6 o'clock से टिल इवनिंग 5 o'clock तक काम करना पड़ता है, ठीक है। देखो उसमें भी मतलब डिवाइडेड है टाइम, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू है, ठीक है। मैं स्टेप वाइज बताता हूँ आपको। देखो पहले जो आपका काम होता है वो क्लीन शिप का काम होता है। 6 to 7 आपकी क्लीन शिप की टाइम होती है। मतलब आपको जो मेस रूम क्लीन शिप है, ठीक है, एंटरटेनमेंट मतलब टीवी रूम क्लीन शिप है, जिम का जो जिम रूम होता है उसकी क्लीन शिप करनी पड़ती है। तो क्लीन शिप मतलब गाइस ऐसा नॉर्मली नहीं है, आपको पहले ग्रूमिंग करना पड़ेगा, देन आपको वाइपर से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो जीपी बंदे होते हैं वो मॉर्निंग में मतलब 5:30 उठ जाते हैं, अपना सब काम करके देन उसी क्लीनशिप शुरू करते हैं, ठीक है। सोचती आप 6 से 7 तक क्लीनशिप करने के बाद अब बात आती है, मतलब आप 7 से 8 आपको ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, ठीक है। 7 to 8 आप ब्रेकफास्ट करोगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे आपका ब्रेकफास्ट टाइम ख़त्म होगा देन आप बोसन को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। मतलब 8 o'clock को आप बोसन को रिपोर्ट करोगे, बोसन आपको काम देगा। काम मतलब क्या देगा, जैसे जीपी का काम क्या होता है, देखो चीपिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, ठीक है। क्लीनशिप का जितने भी काम होते हैं वो जीपी का ही होता है, ठीक है। चीपिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, आपकी जो मतलब रोप्स होती है उसकी फॉलिंग करनी होगी तो वो देगा, या फिर कुछ सामान इधर से उधर शिफ्ट करना है तो वो आपको काम देंगे, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं। अब आप 8 बजे बोसन को रिपोर्ट किए, देखो 8 to 10, ठीक है, 8 to 10 आपको मतलब 8 to 10 जो है वो आपको पूरा काम करना है, ठीक है। 8 to 10 आप काम करोगे, देन 10 to 10:15 आपका जो है एक टी टाइम होता है, ठीक है। टी टाइम में आपको जाना है, टी अपना लेना है, उसके साथ जो भी आपका मतलब बोल सकते हो स्नैक्स वगैरह रहेगा वो लोगे, देन वो करने के बाद, ठीक है, 10:15 को साफ आप वापस आओगे, आपका जो भी काम चल रहा है उसको कंटिन्यू करोगे, ठीक है। 10:15 से लेके 12 o'clock तक गाइस आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। देन 12 o'clock गाइस आपका लंच टाइम होता है, 12 o'clock आप वापस जाओगे लंच के लिए, ठीक है। 12 से लेके 1 बजे तक आपको लंच का टाइम है, ठीक है गाइस। उसमें क्या होता है, कुछ लोग फटाफट अपना लंच करके हाफ एन आवर या जो भी टाइम मिलता है उसमें आप रेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट करने के बाद, ठीक है, 1 o'clock देन 1 o'clock फिर आपको वापस काम के लिए आना है, ठीक है। अगर वो काम ख़त्म हो गया तो बोसन आपको कुछ नया काम देगा, अदरवाइज आप वही काम को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो मतलब 1 से लेके 3 बजे तक अगेन आपको वो काम करना है, ठीक है। फिर 3 बजे गाइस वापस आपका टी ब्रेक होता है, मतलब टी के लिए जाना है 3 बजे से लेके 3 से 3:15 तक, 15 मिनट के टाइम में आपको टी ब्रेक करना है या फिर जो भी स्नैक्स होगा वो खाना है, ठीक है। फिर 3:15 को वापस आना है, देन 3:15 से लेके टिल 5 o'clock गाइस आपको काम करना है, ठीक है। वो काम ख़त्म हुआ या नहीं हुआ इट डजेंट मैटर, बट 3:15 से लेके 5 o'clock तक आपको काम करना है। देन आपका काम करने का पीरियड ख़त्म होता है, देन आप जाओगे अपना जो भी मतलब फ्रेश होना है होगे, देन अगर उसके बीच में आपको जो टाइम मिलता है गाइस, ठीक है, उसके बीच में आपको जो टाइम मिलता है तो आप ब्रिज पे जाके गाइस जो भी ड्यूटी ऑफिसर है उससे अगर आप कुछ सीखना चाहो तो सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये आपका वर्किंग पीरियड में काउंट होगा, बट अगर आपको कुछ सीखना है तो गाइस आप मतलब ब्रिज पे जाके जो भी ड्यूटी ऑफिसर है उनसे सब कुछ सीख सकते हो, जो भी कुछ सीखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि जीपी जो जी है मतलब जो ट्रेनिंग वॉयस होता है उसको ब्रिज पे काम करना कंपलसरी, क्योंकि ट्रेनिंग वॉयस को तो कुछ पता ही नहीं होता, तो इसलिए आपको जो सीखना है वो सीख सकते हो, ठीक है, और आपको ब्रिज पे कोई काम करना नहीं पड़ता, ठीक है। फिर देन अगेन आप अगर कुछ सीखना है तो सीखे, अदरवाइज आप 6 o'clock आपका जो है डिनर का टाइम होता है, तो ठीक है 6 o'clock से लेके 7 to 7 या 7:30 तक आपका जो है डिनर का टाइम होता है। देन आपको डिनर कंप्लीट करने के बाद आप रेस्ट के लिए जा सकते हो, बट अगेन 10 o'clock के आसपास आपका एक मतलब बोल सकते हो कि लुकआउट ड्यूटी होता है, ठीक है। मतलब आपको डेक पे जाके लुकआउट करना होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल होता है ऐसे 10 to 10 के आसपास ही एक लुकआउट ड्यूटी होता है, वो आपको करना होता है। देन अगेन आपको आके आपका काम ख़त्म होता है, आप जो भी है आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 के बाद
भी अगर कुछ इमरजेंसी काम आ जाते तो करना पड़ सकते हैं, बट नॉर्मली 10 के बाद कोई काम होता नहीं तो आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो ट्रेनिंग वाइज होती है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो सी गाइस, ट्रेनिंग वाइज की जो सैलरी होती है गाइस वो $150 से लेके $350 तक मतलब वेरी करती है। ठीक है, मतलब अब डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनीज में हो, ठीक है, कौन सी सीप है, तो उस पर डिपेंड करता है, बट $150 to $300 तक जो आपकी सैलरी है वेरी करती है। ठीक है, आई होप आप लोग को इस वीडियो में मतलब हेल्प मिलेगी, क्योंकि मोस्टली नॉर्मली जो ट्रेनिंग वाइज का काम होता है तो यही होता है। सो ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।